अब जब 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 इस कौम को बहरिया फैमिली की ज़रूरत पड़ी है, उस वक्त बहरिया फैमिली ने दो कदम आगे जाके उसका साथ दिया है। चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो रमज़ान टास्क हो, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो, बहरिया फैमिली ने बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया है। द मेमन टीवी के तवस्सुस से इस टाइम पर शेख खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा होम्स के मालिक हैं और माशाल्लाह भरपूर पार्टिसिपेशन है इनका। तो हम कुछ सवालात करना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आज जो ये माशाल्लाह एक इवेंट का इनेकाद किया गया है, तो SMQ फ्लड रिलीफ, तो अस्सलाम वालेकुम शेख खत्री साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के हवाले से जो आज ये आप लोगों ने इनेकाद किया है इसका? हमारी तरफ से मैसेज हमेशा से क्लियर कट रहा है, जब 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 इस कौम को बहरिया फैमिली की ज़रूरत पड़ी है, उस वक्त बहरिया फैमिली ने दो कदम आगे जाके उसका साथ दिया है। चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो रमज़ान टास्क हो, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहरिया फैमिली ने बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया है। और आपने आज देख ही लिया कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से एक हमारे बॉस की शाहिद महमूद कुरैशी की जो SMQ आप जो है वो शाहिद महमूद कुरैशी है, और जहाँ शाहिद महमूद कुरैशी है वहाँ बहरिया है। तो आप देख लें कि आज बहरिया फैमिली ने अपनी वही भरपूर एफर्ट दिखाएं और विद इन मिनट्स मिलियंस के हिसाब से पैसे जमा हुए हैं और उसको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह अब नेशन को सर्व करेंगे। ऑलरेडी हमारी तरफ से, हमारी बहरिया पिंडी फैमिली की तरफ से, हमारी बहरिया लाहौर फैमिली की तरफ से ऑलरेडी काम हो रहा है और अब और अच्छे तरीके से यहाँ से कराची की तरफ से काम होगा। अच्छा, मैं द मेमन टीवी के तवस्सुस से एक मैसेज चाहूँगा कि हमारी मेमन कम्युनिटी जो है ना, वो हमेशा माशाल्लाह से एक ज़माने से पाकिस्तान के बहुत सारे फ्लाई कामों में पार्टिसिपेट करती है और आप ख़ुद भी माशाल्लाह खत्री मेमन हैं, तो आप क्या मेमन कम्युनिटी को मैसेज देना चाहेंगे ताकि और मोटिवेशन और एजुकेशन आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जो फ्लड का कॉज है उसमें पार्टिसिपेट करें? देखें, जहाँ मेमन कम्युनिटी आती है तो फौरन हमारे पास नाम आता है कराची का। तो जब फर्स्ट वीक था आफ्टर फ्लड, तो यही ये कराची गवाह है यहाँ पर कि ये सुराब रोड की तरफ इतने ट्रक थे जो लोग इंडिविजुअली लेके जा रहे थे, एक मुनज़म तरीके से तो NGO करती है, लेकिन एक हर बंदे ने एक ट्रक सुजुकी, इवन हमने देखा कि लोग फैमिलीज़ में अपनी गाड़ियों के अंदर भी सामान लेके जा सकते हैं। तो मेमन बरादरी भी किसी से पीछे नहीं है और कराची के लोग भी किसी से पीछे नहीं है। अल्लाह ना करे कभी ऐसी और कोई मुसीबत आए, अभी भी हम मुसीबत से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कोई मुश्किल वक्त आएगा तो इंशाल्लाह इकट्ठे ही होंगे और हर कदम में हम साथ होंगे इंशाल्लाह। शेख खत्री साहब, थैंक यू सो मच।